अपनी जान को जोखिम में डालकर सांपों से रक्षा करते हैं स्नेक सेवर उत्तम शर्मा। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड अंतर्गत मिश्रौल गांव में रहने वाले उत्तम शर्मा लोगों के बीच स्नेक सेवर के रूप में जाने जाते हैं। श्री शर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के घरों से बिस्तर सांपों को पकड़ने के साथ जंगलों में इन्हें छोड़कर इन्हें बचाने का भी काम कर रहे हैं। श्री शर्मा ने संवाददाता को बताया कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, इंसान जब तक इन्हें छेड़ता नहीं है, टच नहीं करता, यह लोगों को नहीं डसते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में लोगों को जागरूक करने की बात करते हुए बताया कि सांप किसानों के सहयोगी भी होते हैं, इसलिए इन्हें मारे नहीं बल्कि इसे बचाने का काम करें। यदि किसी को कभी सर्प डस ले तो लोगों को चाहिए कि उस व्यक्ति को सीधा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज कराएं। गलती से भी किसी तांत्रिक या झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें, अन्यथा झाड़ फूक के चक्कर में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अपना बहुमूल्य समय देकर अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरों का खिलाड़ी यानी खतरों से खेलते हुए सांपों को पकड़ने वाले और इनकी रक्षा करने वाले स्नेक सेवर उत्तम शर्मा का दर्द उस वक्त छलक पड़ा जब उनसे पूछा गया कि आप सब जब इतने लोगों की जान रक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए सरकार से आपको किसी तरह की सुविधा या सहयोग उपलब्ध कराई जाती है? तो उन्होंने उदासी भरे में लहजे कहा कि नहीं भाई, सरकारी स्तर पर इस कार्य के लिए किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिलता है। देखते हैं कि सांप के निकलते ही लोगों में दहशत हो जाती है और भगदड़ हो जाती है कि जो देखता है बोलता है सांप है तो उसे मारो मारो मारो, अर्थात सांप मारने की चीज़ है, सांप को मारो इस डर है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी इंसान हैं जो सांप को मारने में नहीं बल्कि उसको बचाने में विश्वास करते हैं। इनका नाम मैंने सुना था तो मुझे लगा ऐसी शख्सियत से मिलना चाहिए, आइए मैं आपको ही मिलवाता हूँ और जानता हूँ इनके माध्यम से सांप के बारे में विशेष रूप से। तो दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बोलने का मतलब ये है कि सांप तो आप जानते हैं कि बहुत बिस्तर होता है, सब लोग उसे मारने में विश्वास करते हैं, आप उसे बचाने के लिए प्रयास करते हैं। सर मेरा नाम है उत्तम कुमार शर्मा और मैं चतरा डिस्ट्रिक्ट के मिश्रौल से हूँ और ये सांप बचाने का काम लगभग हम 4 साल से कर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते थे लोगों के घर में सांप घुस गया और सांप को मार देते थे तो हमें अंदर से बहुत तकलीफ होता था। तो हम एक अभियान चलाए कि सांप को बचाया जाए और मेरा अभियान में इतना बढ़िया लोग सपोर्ट किए कि अब अगर मिश्रौल क्षेत्र में सांप अगर निकलता है तो मारते नहीं हैं, हमें कॉल करते हैं, हम जाते हैं और सांप को बचाते हैं। और सांपों के बारे में जो जानकारियाँ हैं, जो मेरे पास जानकारी है, हम उन लोग साथ शेयर करते हैं। तो लोग बोलते हैं सांप बिस्तर होता है, क्या सभी सांप बिस्तर होते हैं? नहीं सर, भारत में 550 प्रजाति का सांप पाए जाते हैं, इसमें मात्र 10 ही सांप है जो जहरीला है। 10 ही जहरीला है और बाकी सब? और हमारे झारखंड में मात्र 5 सांप है जो जहरीला है। कौन कौन है? एक हो गया स्पेक्टिकल कोबरा, इसे ह्यूमन नाग बोलते हैं। एक करैत हो गया जो भारत का सबसे जहरीला सांप है। एक रसल बाइकर, इसको बोलचाल की भाषा में बहरा जाड़ा बोलते हैं। एक हो गया वेंडेड क्रैक, एक हो गया बम्बू पीट बाइकर, इसमें जहर है। जो सेम रसल बाइकर का जहर मिलता जुलता है, मतलब हेमोटॉक्सिन नाम का जहर सांप में पाया जाता है। और जैसे लोग बोलते हैं सांप अगर काट दिया है तो देह जलने लगता है, तो ऐसा भी सांप होता है क्या? हाँ सर, ऐसा है, रसल बाइकर है, इसे काट देने से देह जल जाता है। अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो जलना शुरू हो जाता है। सांप जब काटता है तो लोग ओझा गुनी के पास दौड़ के जाते हैं, क्या ये लगता है कि ये सही है? नहीं सर, यंत्र से सांप जहर करता है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओझा गुनी जो है वो बिल्कुल अंधविश्वास है और अंधविश्वास में नहीं बहना चाहिए। इस जो हमारी बातें हो रही है, इस माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? झाड़ फूक करके बिल्कुल अंधविश्वास में ना पड़े। सांप अगर अवॉइड करते हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका एंटीवेनम का सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर जाएँ और डॉक्टर को दिखाएं, वहाँ ट्रीटमेंट होगा। झाड़ फूक से दूर रहें, यहाँ झाड़ फूक से बिल्कुल दूर रहें। इन क्षेत्रों के सुदूरवर्ती गांव में या प्रॉपर भी जाना पड़ता है, तो
आपको सूचना देते हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद में आपको कुछ मिलता भी है या नहीं? सर अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, कुछ नहीं अभी तक, जो भी सेवा किए हैं फ्री सेवा ही मेरा हुआ है। तो आपका तो इनकम समय पर इसमें जाता है, तो इनकम आपका नहीं होती, घर परिवार का ही चलता है सर। अपना जीविकोपार्जन के लिए हम जड़ी बूटी और कुछ दवा वगैरह लोगों को देते हैं। जड़ी बूटी की दवा, आयुर्वेदिक दवा देते हैं? हाँ, आयुर्वेदिक दवा देते हैं। कौन कौन से रोग की दवा देते हैं? दवा देते हैं दिमाग का, बवासीर का, दर्द किसी प्रकार का हो, और महिला लोग का जो प्रॉब्लम होता है वो सबका दवा देते हैं, और वो ठीक भी होते हैं, उसी से मेरा चलता है, पेट किसी तरह चल रहा है। अभी तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को भी बचाने की, जो सबको बचा रहा है उसको ही बचाना ज़रूरी है। यदि ये लोग को नहीं बचाया गया तो फिर लोग भी बचना मुश्किल हो गया, और सांप को तो लोग मारो मारो है, ये तो अपवाद के स्वरूप है। जो सांप को बचाने का उनमें जुनून है और सांप बचाते हैं। मेरा नंबर डबल नाइन थ्री फोर डबल टू जीरो फाइव डबल सिक्स। हाँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, यदि आपको कोई कॉल करे हो तो जाएंगे वहाँ पर। बिल्कुल जाएंगे। सांप होता है कि किसी को पीछे से लग जाए तो भी चिल्लाने लगता है, वो हदस जाता है, होपलेस हो जाता है, वो प्राण छोड़ देता है। तो सांप अगर काटता है तो कैसे आप क्या बता सकते हैं कि सांप उसको कौन सा सांप काटा है, कैसे पता करते हैं? सबसे पहले है सर कि भारत में जितने भी सांप हैं उसका न पूछ में जहर है और न शरीर में जहर है। जब तक वो काटेगा नहीं, वो दांत उसमें गड़ेगा नहीं मांस में, तब तक जहर हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। तो उसके सर पहचानने का कुछ तरीका है, ये घुमन बोलते हैं, उसका दो पॉइंट ऐसे बनेगा, फीचर का दो पॉइंट बनेगा, यहाँ से ब्लड आएगा। तो समझ लीजिए इसका डीप अगर दो फुट है, डेढ़ फुट है, तो 100% ये कोबरा काटा है जो ह्यूमन। अगर इसी टाइप का पॉइंट बना हुआ है और उसका लगभग 1.5 इंच है तो ये रिसर्च वाइपर काटा है। समझिए सर, अगर बिना जहर वाला सांप काटा है तो उसका बनेगा इस टाइप का फ्री। बिना जहर वाला काटा भी करेगा उसका निशान, विशाला काटा तो डीप होगा, उसका निशान ये भी टाइप का रहेगा और बहुत हल्का हल्का दिखेगा। तो समझ ले कि बिना जहर वाला सांप काटा है। और होता क्या है, जनरली ज़्यादातर बिना जहर वाला सांप है, जैसे आपका वाटर स्नेक जिसको ढोड़िया सांप बोलते हैं, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा है और काटता भी ज़्यादा है। अच्छा, अगर वो सांप काट लिया और हम लोग चले गए झाड़ फूक करवाने तो झाड़ दिया, हम संतुष्ट हो गए, घर आ गए, तो लगा कि नहीं झाड़ दिया तो ठीक हो गए, और ये सब चक्कर थोड़ा दूर रहना चाहिए। आहार श्रृंखला बनी हुई है, इसको रक्षा करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और झाड़ फूक से बचना है। और अगर कभी किन्हीं को कोई दर्द है, कोई परेशानी है, आयुर्वेद की अगर जरूरत है तो आप उत्तम समझ से मिल सकते हैं। क्या जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।